जी शुभ रात्रि। हमारे सामने सोनिया जी आ चुकी हैं। अब इनका जो तखल्लुस है वो है अक्स। अब अक्स मतलब परछाई, हमारा मतलब दर्पण। अब इनको मैं इनकी प्रतिभा का, इनकी इनकी सारी क्वालिटीज का क्या दर्पण दिखाऊं? ये अपने आप में ही अक्स हैं। और सोनिया जी के बारे में मैं फिर भी आपसे कहना चाहूंगी कि सोनिया जी राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं और हरियाणा अरे की वाह, रह जी अभी आप सुनिए तो। और सोनिया जी को यहाँ से इन्होंने दो विषयों में परा स्नातक किया है, मतलब एमए किया है इन्होंने, अर्थशास्त्र और हिंदी, और मतलब तीन विषयों में हमें है सोनिया जी, वाह वाह। और उसके साथ में आपने बीएड भी किया है और आप गर्ल गाइड अवार्ड से सम्मानित हैं। आप छुटपन से ही लिखने लगी थी, 12 साल से, है ना सोनिया जी? जी अब 12 साल से लिखने लगी थी और आप बेस्ट उद्घोषक हैं हरियाणा की। आप रेडियो में भी अपने प्रोग्राम्स पेश करती हैं। आप बेस्ट टीचर हैं। आपका परीक्षा परिणाम लाजवाब होता है और आप रक्तदाता भी हैं। और आपका यूट्यूब चैनल है, आप दूरदर्शन से भी, आकाशवाणी से भी अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं और आपकी गजलों की एल्बम भी निकली है और आपने मशहूर गजलों के मशहूर गजल गायकों द्वारा भी आपको बहुत सराहा गया है। आप लखनऊ अवार्ड से सम्मानित हैं। आपका घराना पानीपति है ना? और आप जी विभिन्न जी मुशायरों आप विभिन्न मुशायरों में लगातार शिरकत कर रही हैं और हमें पता है कि सोनिया जी के जरिए हमारे साथ उनके खूब सारे प्रशंसक भी जुड़ चुके हैं और अब वो ये नहीं चाहेंगे कि सोनाली बहुत ज्यादा बोले, क्योंकि अब वो सोनिया को सुनना चाहते हैं। तो सोनिया जी, आप को अपने मंच पे हम आमंत्रित करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमें बहुत गर्व है कि आप हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। तो अब मैं मंच आपको सौंपती बहुत बहुत शुक्रिया सोनाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे तरीके से मुझे मंच पर निमंत्रण देने के लिए, इतनी मीठी आवाज में मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जैन जी आपका भी, कि इस सुंदर महायज्ञ में मैं एक छोटी सी भूमिका, एक छोटी सी कलम, अपनी एक छोटी सी आहुति लेके आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। तो दो दोहे, दो चार दोहे मैं उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में अर्पित करते हुए अपनी कलम को आगे लेकर चलूंगी। कि जय जय हनुमत आपकी बारंबार प्रणाम, जय जय हनुमत आपकी बारंबार प्रणाम। साहस धीरज दीजिए बल बुद्धि के धाम, साहस धीरज दीजिए बल बुद्धि के धाम। अपने जैसी भक्ति का दो हनुमत वरदान, अपने जैसी भक्ति का दो हनुमत वरदान। जग का भी कल्याण हो अपना भी कल्याण, जग का भी कल्याण हो अपना भी कल्याण। और हर तिल भीतर तेल है, हर तिल भीतर तेल है लकड़ी भीतर आग, हर तिल भीतर तेल है लकड़ी भीतर आग। तुझ में तेरा है खुदा जाग सके तो जाग, तुझ में तेरा है खुदा जाग सके तो जाग। और आज जैसा कि हरियाली तीज भी है, जी जी सोनाली जी आप बहुत कुछ सुंदर बोलने लगे थे, आपने, बोलिए। मैं यही बोल रही थी, माफी चाहूंगी, लेकिन मैं रोक नहीं पाई खुद को। इतनी खूबसूरती से, इतनी सुंदरता से आपने भगवान श्री हनुमान जी को भी याद किया, आपने अपने परम पिता को याद किया। और इससे अच्छी शुरुआत क्या होगी, जब हम ईश्वर से अपना ताल्लुक जोड़ लेते हैं तो ईश्वर की तो आशीर्वाद हमें वैसे ही मिलने लग जाता है। और हमें पता है कि अगला पौना घंटा हमारा कहाँ जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। आप सुनाइए, आप सुनाइए सोनिया जी। मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है। मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है। जिससे अंतस स्वयं सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है शिव जी, हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है शिव जी। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है, मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। अपनी कलम और अपने सारे कोरे भाव मैं अपने परम पिता परमेश्वर, अपने आराध्य, अपने शिव के चरणों में समर्पित करके अपनी वाणी और अपनी कलम उनके हवाले करते हुए आपके समक्ष पढ़ती हूँ। आज हरियाली तीज है और आप सभी को मुबारकबाद देती हूँ इसकी। और अपने उसी आराध्य के चरणों में मेरा ये दोहा,
कि मेरा जीवन आपसे सजे हजारों ख्वाब, हर उस औरत की तरफ से उसके पति परमेश्वर को समर्पित, कि मेरा जीवन आपसे सजे हजारों ख्वाब, मेरा जीवन आपसे सजे हजारों ख्वाब, बिन स्वाति के चाक अब बचा न पाए आप, बिन स्वाति के चाक अब बचा न पाए आप। और आखर आखर कर दिया मैंने उनके नाम, आखर आखर कर दिया मैंने उनके नाम, एहसासों को बांटना अब पी का है काम, एहसासों को बांटना अब पी का है काम। और पिया तुम्हारा रूप है अद्भुत साहूकार, पिया तुम्हारा रूप है अद्भुत साहूकार, नैना गिरवी रख दिए सकते ही एक बार, सोनम पलके बेच दे, सोनम पलके बेच दे, बिके दाम बेदाम। जब उस आराध्य के चरणों में हम समर्पित करते हैं अपनी आराधना और उनको अपने पिता अपने परमेश्वर की जगह रख लेते हैं, तो कुछ ऐसे ही भाव आते हैं कि पिया तुम्हारा रूप है अद्भुत साहूकार, नैना गिरवी रख दिए सकते ही एक बार, और सोनम पलके बेच दे बिके दाम बेदाम, पिया दरस के वास्ते इन पलकों का क्या काम, पिया दरस के वास्ते इन पलकों का क्या काम, पिया दरस के वास्ते इन पलकों का क्या काम। तो ये समर्पित है मेरे दोहे जी, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर लिखा सोनिया जी आपने, और मतलब इतनी खूबसूरत दोहे आज के इस, आपने ईश्वर को भी याद किया, आपने बहुत पिया, मतलब आपने जो ईश्वर के साथ हमारी जो सूफियाना अंदाज में आत्मा और ईश्वर का जो मिलन होता है आपकी इन दोहों से परिलक्षित हुआ, और बड़ा सुंदर सा भाव, बहुत सुंदर माहौल आपने यहाँ पर बना दिया है। आगे आगे और कुछ सुनाइए, बहुत सुंदर है। तो इसी के साथ मैं जोड़ती हूँ आपको अपने गीत से, और ये गीत भी मेरे उसी आराध्य के चरणों में समर्पित है, कि मैं कतरा कतरा अंतस का लो तुम्हें समर्पित करती हूँ, मैं कतरा कतरा अंतस का लो तुम्हें समर्पित करती हूँ, बस याद में तेरी दीपक सी प्रिय लो बनकर मैं जलती हूँ, बस याद में तेरी दीपक सी प्रिय लो बनकर मैं जलती हूँ, मेरे जीवन के मरुथल में तुम ही पानी की धार बनोगी। सोनाली जी गौर करें कि मेरे जीवन के मरुथल में तुम ही पानी की धार बने, पतझड़ के मौसम में प्रियतम तुम सांसों का आधार बने, पतझड़ के मौसम में प्रियतम तुम सांसों का आधार बने, अब दर्द की आस में अखियों से, अब दर्द की आस में अखियों से मैं स्वयं नीर सी झरती हूँ, अब दर्द की आस में अखियों से मैं स्वयं नीर सी झरती हूँ, मैं कतरा कतरा अंतस का लो तुम्हें समर्पित करती हूँ, लो तुम्हें समर्पित करती हूँ। और अनिल जैन जी, अगले बंद पे आपकी तवज्जो चाहूंगी। जी, आपने इतना सुंदर अपने अंतस का एक एक कतरा जो समर्पित किया है, वो मतलब सच में समर्पण उसका अपने पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुका है, इससे ज्यादा समर्पण और क्या होगा। और बहुत सुंदर लिखती हैं आप सोनिया जी, बड़ा सुंदर लिखती हैं आपको सुन। और अगला पंक्ति, कि जब नेह तुम्हारा अंतस से, गौर करें, जब नेह तुम्हारा अंतस से पुलकित नैनों में झांका था, जब मन नेह से ओतप्रोत हो जाता है और वो नेह जब आंखों से झलकने लगता है, तो सोनाली जी कैसा महसूस होता है, कि जब नेह तुम्हारा अंतस से पुलकित नैनों में झांका था, मेरे माथे पर एक तारा अधरों से तुमने टांका था, जब नेह तुम्हारा अंतस से पुलकित नैनों में झांका था, मेरे माथे पर एक तारा अधरों से तुमने टांका था, अब सिर्फ तुम्हारी यादों में हर रात सुहागिन करती हूँ, अब सिर्फ तुम्हारी यादों में हर रात सुहागिन करती हूँ, लो कतरा कतरा अंतर का मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ। और छूकर तेरी ये मधुर छुअर, जो ये माथे का बोसा है, आप समझ सकती हैं सोनाली जी ये कितना इम्पोर्टेंट है एक औरत नेह के लिए, कि छूकर तेरी ये मधुर छुअन यौवन सारा ही महक उठा, छूकर तेरी ये मधुर छुअन यौवन सारा ही महक उठा, है रोम रोम में अब स्पंदन पावस अंतस भी बहक उठा, अब तुलसी बन तेरे आंगन की, अब तुलसी बन तेरे आंगन की,
मैं साथ तुम्हारे चलती हूँ, अब तुलसी बन तेरे आंगन की, मैं साथ तुम्हारे चलती हूँ, मैं कतरा कतरा अनुसस का लो तुम्हें समर्पित करती हूँ, अब याद ने तेरी प्रियतम एक लो बनकर मैं जलती हूँ, अब याद ने तेरी प्रियतम एक लो बनकर मैं जलती हूँ, एक लो बनकर मैं जलती हूँ। वाह वाह वाह, आप अपनी प्रीतम की याद में लौ बनकर जलती हैं और आपकी कविता की रोशनी से हम सभी यहाँ पर आलोकित होते हैं। बहुत सुंदर आपने लिखा। और अभी यहाँ पर विवेक कवीश्वर लिख रहे हैं, बहुत सुंदर। अमोल कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ अभी सरिता गुलाटी हैं, अमोल वेलकम कुमार दी जी लिख हमारे रही साथ हैं वो जुड़े हैं, आपको। हमारे साथ अमोल सरिता कुमार गुलाटी चौधरी जी हैं, वो हमारे नमस्ते साथ कर रहे हैं जुड़े हैं आपको। वो आपको, और अमोल कुमार आपको यहाँ चौधरी पर अमोल कुमार चौधरी जुड़े भी हैं, हैं, वो आपको नमस्ते कर रहे हैं। और भी बहुत सारी श्रोता नमस्ते हमारे साथ सबको, जुड़े नमस्ते हैं सबको, नमस्ते कर जी। रहे हैं, आप और भी आगे बहुत पढ़िए, सारी हमारे साथ श्रोता सबको, जुड़े हैं नमस्ते। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी का तहे आगे दिल से पढ़िए। स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जितने भी मुझे लोग मेरे साथ पता जुड़े है हैं, अमोल सभी कुमार का तहे चौधरी दिल जी, से कवि स्वागत विवेकेश्वर करती हूँ, जी, मुझे मंजर पता गौरखपुरी है जी, सभी सरिता का तहे गुलाटी दिल से जी, सुशील स्वागत साहिल करती सर, और जितने भी लोग, मैं डॉक्टर आर्यन चौधरी जी, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए चलिए एक मुक्तक से आपको जोड़ती हूँ। इस सलीके से निगाहों को लड़ाता कौन है, इस सलीके से निगाहों को लड़ाता कौन है, आईने को यूं भी आईना दिखाता कौन है, इस सलीके से निगाहों को लड़ाता कौन है, आईने को यूं भी आईना दिखाता कौन है, आज बस्ती में फकत मेरी महक की धूम है, आज बस्ती में फकत मेरी महक की धूम है, सोनम को अपनी गजल सा गुनगुनाता कौन है, सोनम को अपनी गजल सा गुनगुनाता कौन है, सोनम को अपनी गजल सा गुनगुनाता कौन है। और कहती हूँ कि जब मतलब कभी भी गेसुओं के, हाँ जी हाँ जी, सुना लीजिए। मैम आपको बीच में रोकना नहीं चाह रही थी, मतलब मैं दाद देने से रोक जी ही जी नहीं पा कोई रही हूँ बात आपको, इसीलिए बार बार दाद दे रही नहीं, हूँ। बहुत बहुत जारी बहुत रखिए बहुत जारी शुक्रिया, रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जी कोई बात जी नहीं। तो अगला मुक्तक मैं आप ही को समर्पित करती हूँ, सोनाली जी, आपके लिए, आपके इस गेसुओं के लिए, कि जब कभी भी गेसुओं के खम धरा सुलझाए हैं, जब कभी भी गेसुओं के खम धरा सुलझाए हैं, इस तरह भी आईने तूने कही महकाए हैं, इस तरह से जबरदस्त आईने तूने कई महकाए हैं, जब कभी भी गेसुओं के खम धरा, खम मतलब उलझने, जब कभी जी भी जो जी सलवटे पड़ जाती हैं जी, जब जी कभी जी भी गेसुओं के खम धरा सुलझाए हैं, इस तरह भी आईने तूने कई महकाए हैं, उसकी यादें उसकी ख्वाहिश और तबस्सुम की महक, उसकी यादें उसकी ख्वाहिश और तबस्सुम की महक, क्या खिलौने सोनम नन्नी जान को पकड़ाए हैं, क्या खिलौने सोनम नन्नी जान को पकड़ाए हैं, क्या खिलौने सोनम नन्नी जान को पकड़ाए हैं। वाह वाह जी वाह, मतलब बहुत बहुत हर चीज में, शुक्रिया, आपके हर अशार पर मेरी वाह वाह निकल रही है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत कमाल शुक्रिया, लिखी है। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया सोनाली जी। चलिए एक अलग तरह के मूड की तरफ लेकर चलती हूँ। हमने वाल्मीकि की रामायण पढ़ी है, हमें राम जी और सीता जी के बारे में बहुत कुछ उसमें पढ़ने को मिला है, लेकिन उसमें और भी बहुत से त्याग थे जिनकी वर्णन वहाँ कम किया गया है, तो उसको अपनी कविता में मैंने किस तरह से पिरोया है, तो जय श्री राम करते हुए मैं वो कविता आपके समक्ष पढ़ती हूँ। कि छल छलाता रूप रीता आह भरते, छल छलाता रूप रीता आह भरते, पर तुम्हारा मन नहीं भीगा इसे मैं क्या कहूँ, छल छलाता रूप रीता आह भरते, पर तुम्हारा मन नहीं भीगा इसे मैं क्या कहूँ, क्रोच का क्रंदन सुना तो तुम पसीजे, क्रोच का क्रंदन सुना तो तुम पसीजे और रामायण लिखी, दर्द उसका तुम न सह पाए तभी तो आंख दोनों नम लिखी, दर्द उसका तुम न सह पाए तभी तो आंख दोनों नम लिखी, उर्मिला की आंख से आंसू रहे झरते, उर्मिला की आंख से आंसू रहे झरते, पर तुम्हारा मन नहीं भीगा इसे मैं क्या कहूँ, इसे मैं क्या कहूँ, विमाता के कहने से, विमाता के कहने से चल दिए वन में, ये माँ की अनसुनी तो थी, विमाता के कहने से चल दिए वन में, ये माँ की अनसुनी थी, तब राम को माँ बाप से कुछ कम दिखी, तब राम को माँ
बाप से कुछ कम दिखी आश्चर्य ही तो था। वृद्धावस्था बीत गई रोते बिलखते, वृद्धावस्था बीत गई रोते बिलखते, पर तुम्हारा मन नहीं भीगा इसी मैं क्या कहूँ, पर तुम्हारा मन नहीं भीगा इसी मैं क्या कहूँ। कंटकों से थी भरी राहें सभी, कंटकों से थी भरी राहें सभी और वो कोमल कमल, कंटकों से थी भरी राहें सभी और वो कोमल कदम, बीहड़ों में था भटकता लावण्य यौवन हो गया उसका हरण। अशोकवन में समय बीता शोक करते, अशोकवन में समय बीता शोक करते, पर तुम्हारा मन नहीं भीगा इसे मैं क्या कहूँ, पर तुम्हारा मन नहीं भीगा इसे मैं क्या कहूँ। अभिशापित अहिल्या को दिया वर राम ने, अभिशापित अहिल्या को दिया वर राम ने, मिल गया जीवन नया, राम के हित ही जीवन जिया सिया ने, की नहीं उस पर दया। पहाड़ सी वो जिंदगी बीती सिसकते, पहाड़ सी वो जिंदगी बीती सिसकते, पर तुम्हारा मन नहीं भीगा इसे मैं क्या कहूँ, पर तुम्हारा मन नहीं भीगा इसे मैं क्या कहूँ, पर तुम्हारा मन नहीं भीगा इसे मैं क्या कहूँ। तो बहुत से सवाल और हैं, तो मैं यही इसको कविता को खत्म करती हूँ और आप सभी से क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि मेरे मन का आक्रोश इस तरह से बाहर आया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं श्री राम की आराध्य मेरे नहीं है, वो जय श्री राम मैं आज की करती हूँ, लेकिन अपने मन के प्रश्नों को मैं रोक नहीं पाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शायद सोनाली जी का नेट चला गया है, तो मैं आप सबको अपने साथ बांधते हुए आगे लेकर चलती हूँ। जी 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 स्वागत है आपका, स्वागत जय जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और छोटी सी गजल मैं अपने आराध्य के चरणों में समर्पित करती हूँ एक बार फिर से, कि मैं अंतस तू मेरा स्पंदन, मैं अंतस तू मेरा स्पंदन, मैं तुलसी तू मेरा आंगन, मैं अंतस तू मेरा स्पंदन, मैं तुलसी तू मेरा आंगन, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग अपना बंधन सतत सनातन, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग अपना बंधन सतत सनातन, आज तू अपनी रख दे मुझ में, और करें कि आज तू अपनी रख दे मुझ में, मैं हो जाऊं कंचन कंचन, आज तू अपनी रख दे मुझ में, मैं हो जाऊं कंचन कंचन। और जब से तेरा स्पर्श मिला है, जब से तेरा स्पर्श मिला है, महक रही हूँ दर्पण दर्पण, जब से तेरा स्पर्श मिला है, महक रही हूँ दर्पण दर्पण, रंग रूप काया ना छाया, रंग रूप काया ना छाया, देह विसर्जित है आलिंगन, देह विसर्जित है आलिंगन, कंपित मेघ रहे अधरों पर, कंपित मेघ रहे अधरों पर, नैनों में सावन ही सावन। तो प्यार का एक वो पल ऐसा आता है कि जब आपके होंठ कांपने लगते हैं और आंखों से सावन बहने लगता है, तो वो प्रकाशता होती है एक तत्व की, वो प्रकाशता होती है आत्मा से परमात्मा के मिलन की। तो उसी प्रकाशता को लेकर मैंने अपने आराध्य के लिए लिखा कि कंपित मेघ रहे अधरों पर, नैनों में सावन ही सावन। और सीधी सच्ची बात है सोनम, सीधी सच्ची बात है सोनम, तू जो नहीं तो क्या है जीवन, सीधी सच्ची बात है सोनम, तू जो नहीं तो क्या है जीवन, तू जो नहीं तो क्या है जीवन, तू जो नहीं तो क्या है जीवन, सीधी सच्ची बात है सोनम, तू जो नहीं तो क्या है जीवन। जी सोना, बहुत बहुत सुंदर। बीच में मेरी तरफ से थोड़ी सी वो हो गई थी, मेरा कुछ नेट का पंगा हो गया था। अभी यहाँ पे ज्योत्सना जी हैं, कवि गीता मंजाल जी हैं और बहुत सारे और भी दोस्त हैं हमारे, ऐसे मिश्रा जी हैं, कवि गोपाल सिंह दंडोतिया, आराधना सिंह जी, हरगोबिंद झाम, ज्योत्सना राजौरिया, सीधी सच्ची बात है सोनम के लिए वाह वाह कर रही है, ब्यूटी चौधरी भी है और हरगोबिंद झाम जी लिखते हैं, डॉक्टर मक्की सिद्दकी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर उम्दा बात है, अरविंद अंशुमान है, वाह 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 लिख रहे हैं, ज्योत्सना राजौरिया जी भी बहुत तारीफ कर रही हैं। आप आगे पढ़िए प्लीज। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और आपको बता देना चाहती हूँ कि ज्योत्सना राजौरिया जी एक सूफी सिंगर हैं और इनके पतिदेव शिव राजौरिया जी कंपोजर हैं, और हमारे इस मैजिक चंद्रा शो में
इससे पहले जो इसका सॉन्ग चलता है, जो इसका गान चलता है, वो आपके द्वारा ही गाया गया है और आपके द्वारा ही कंपोज किया गया है। तो यहाँ मैं ये बताना मुझे जरूरी लगा कि आपके द्वारा ही गाया और कंपोज किया गया है, और आप मेरी गजलों की एक एल्बम जल्दी ही आपकी आवाज में आने वाली है। तो आप सभी का शुक्रिया करती हूँ। रवि यादव जी का नाम भी मैंने पढ़ा था, बहुत उम्दा। आप रवि यादव जी भी जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत करती हूँ। डॉक्टर सोनी कौशल भरत जी को अभी मैं स्वागत करती हूँ। दी ब्यूटी जी है, मुसाफिर सर भी हमारे साथ जुड़े हैं जो बहुत उम्दा गजल गो हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। जिनका मैं नाम नहीं भी ले पा रही हूँ, आप मुझे नहीं दिख रहे हैं, मुझे पता है आप सब मेरे साथ जुड़े हैं। मन से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल करती हूँ। आप सभी का प्यार मेरा संबल है, आप सभी का सानिध्य मेरे साथ है, तो मैं कुछ कहने की हिम्मत कर पाती हूँ। चलिए एक छोटी सी कविता सबके मन सब औरतों की तरफ से सबके लिए, और उसके बाद मैं गजलों की तरफ चलूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि लोग मुझसे गजल सुनना चाहेंगे। कि मैं यथार्थ का धरातल बन तुम्हारे कदमों तले बेचती रही, कुछ ऐसा भी लिखती हूँ मैं सोनाली जी, कि मैं यथार्थ का धरातल बन तुम्हारे कदमों तले बेचती रही और तुम सर ऊंचा किए करते रहे। लगभग हर औरत का सत्य है ये, कि मैं यथार्थ का धरातल बन तुम्हारे कदमों तले बिछती रही और तुम सर ऊंचा किए करते रहे। संभावनाओं के असीम आकाश को पाने की अनाधा कृत्य चेष्टा में, इसी मृग तृष्णा में तुम आजीवन ना तो आकाश पा सके और ना ही धरातल अपना सके, ना तो आकाश पा सके और ना ही धरातल अपना सके, और मैं अबला से तकती रही तुम्हारा त्रिशंकु व्यक्तित्व, और मैं अबला से तकती रही तुम्हारा त्रिशंकु व्यक्तित्व, और मैं अबला से तकती रही तुम्हारा त्रिशंकु व्यक्तित्व, तुम्हारा त्रिशंकु। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सोनाली। चलिए आपको एक नज्म से जोड़ती हूँ, तो सुनिए ये नज्म आप सबकी, मैं आप सबकी तरफ से पढ़ना चाहती हूँ। कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो आज, तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो आज, आज हर दिल की बात कहनी थी तुमसे, कहना था मेरी आंखों में ख्वाब जितने हैं सब तुम्हारे हैं। तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो आज, आज हर दिल की बात कहनी थी तुमसे, कहना था मेरी आंखों में ख्वाब जितने हैं सब तुम्हारे हैं। सब तुम्हारे ही नाम से मंसूब मेरी आंखों के ही शरारे हैं, सब तुम्हारे ही नाम से मंसूब मेरी आंखों के ही शरारे हैं। सर तेरी सी हवा ये कहती है बुए उल्फत पे सख्त पहरा है, सर तेरी सी हवा ये कहती है बुए उल्फत पे सख्त पहरा है, हसरतों की भी अब नहीं चलती रूह का जख्म और गहरा है, हसरतों की भी अब नहीं चलती रूह का जख्म और गहरा है। ख्वाब खस्ता झटक के पलकों से, ख्वाब खस्ता झटक के पलकों से कुछ नए ख्वाब मैं सजाती, ख्वाब खस्ता झटक के पलकों से कुछ नए ख्वाब मैं सजाती हूँ, खुश्क पत्तों से फिर मुस्कुराहट की शाख से मैं उतर लाती हूँ, शाख से मैं उतर के आती हूँ। शब गुजरती है क्यों मेरी तनहा, शब गुजरती है क्यों मेरी तनहा, आके एक बार भर लो बाहों, सब गुजरती है क्यों मेरी तनहा, आके एक बार भर लो बाहों में, उम्र रफ्ता जो बीत बीत गई अब तो ले लो मुझे पनाहों में, 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 अब तो ले लो पनाहों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत सुंदर है। और आप जितनी उम्दा गजलें कहती हैं, आप उतनी ही खूबसूरती से कविताएं भी लिखती हैं, मतलब आप हर विधा में माहिर हैं, जिसे कहा जाए। आपके गीत भी खूबसूरत हैं, आपकी कलम में बहुत खूबसूरती है सोनिया जी, आपके शब्दों का जब चयन है वो बहुत सुंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोनाली जी, और जितने भी लोग जुड़े हैं, राजेंद्र गटानी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। जितने भी लोग आप आ रहे हैं मेरे अपना इस रात के समय, अपना कीमती समय निकालकर मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए एक मतला और एक शेर कुछ यूं भी। मुझे यकीन था कि जिंदगी मेरी तेरी बाहों में ही कटेगी,
मुझे यकीन था कि जिंदगी मेरी तेरी बाहों में ही कटेगी, दिखा के हिम्मत मुसीबतों में, हर एक बदली कटे छटेगी, दिखा के हिम्मत मुसीबतों में, हर एक बदली कटे छटेगी, हर एक बदली कटे छटे। और वो शेर जिसके लिए मैंने ये गजल कही, आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ, आप सबकी नजर करती हूँ। मैं नन्ने मुन्ने से एक बच्चे की उम्र कहती थी घट रही है, हम सभी कहते हैं। मैं नन्ने मुन्ने से एक बच्चे की उम्र कहती थी बढ़ रही है, हम कहते हैं उम्र बढ़ रही है, तुम बड़े हो रहे। मैं नन्ने मुन्ने से एक बच्चे की उम्र कहती थी बढ़ रही है, मगर लकीरें तो उसके हाथों की कह रही थी नहीं घटेगी, मगर लकीरें तो उसके हाथों की कह रही थी नहीं घटेगी, मगर लकीरें तो उसके हाथों की कह रही थी नहीं घटेगी। जहां में मेहरो वफा के टुकड़े तो आज होंगे ही अक्स तय है, जहां में मेहरो वफा के टुकड़े तो आज होंगे ही अक्स तय है, जहां में मेहरो वफा के टुकड़े तो आज होंगे ही अक्स तय है, हाँ देखना है कि कितने हिस्सों में अब ये दौलत कटे बटेगी, हाँ देखना क्या है कि कहने, कितने वाह हिस्सों वाह वाह में वाह, अब ये दौलत कटे बटेगी, क्या देखना आहा, है कि वाह वाह कितने वाह, हिस्सों में अब ये दौलत कटे छटेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन अनिल जी, आपको ये पसंद आया, जितने भी लोगों को पसंद आ रहा है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मतला और एक शेर मेरे मन का कुछ ऐसे भी, कि क्या तेरा जादू ये चल सकेगा, क्या तेरा जादू ये चल सकेगा, क्या दीप आंधी में जल सकेगा, क्या तेरा जादू ये चल सकेगा, क्या दीप आंधी में जल सकेगा, हो जड़ में जिसकी सफेद दीमक, हो जड़ में जिसकी सफेद दीमक, हो जड़ में जिसकी सफेद दीमक, वो पेड़ हरगिज न फल सकेगा, हो जड़ में जिसकी सफेद दीमक, वो पेड़ हरगिज न फल सकेगा, वो पेड़ हरगिज न फल सकेगा। ये अजमो हिम्मत का है वो सूरज, अपने लिए कहती हूँ कि ये अजमो हिम्मत का है वो सूरज, ना ढल सका है ना ढल सकेगा, ये अजमो हिम्मत का है वो सूरज, ना ढल सका है ना ढल सकेगा। और मैं बिजली बन के गिरूंगी ऐसे, मैं बिजली बन के गिरूंगी ऐसे, मैं बिजली बन के गिरूंगी ऐसे कि हाथ भी तू न मल सकेगा, मैं बिजली बन के गिरूंगी ऐसे कि हाथ भी तू न मल सकेगा, और मैं सोनिया हूँ तिलिस्म तेरा। क्या बात बहुत है, सोनिया, मैं सोनिया हूँ वाह तिलिस्म तेरा, मैं सोनिया हूँ तिलिस्म तेरा, ना मेरी दुनिया में चल सकेगा, मैं क्या सोनिया बात, हूँ तिलिस्म तेरा, ना मेरी दुनिया में चल सकेगा, मैं वाह सोनिया हूँ वाह तिलिस्म वाह, तेरा, ना मेरी दुनिया में चल सकेगा। वाह वाह, लेकिन जी आपका तिलिस्म मैं हम पर तो सोनिया जरूर हूँ रहता है तिलिस्म जी, तेरा, हा। लेकिन नहीं सोनिया जी, आपका तिलिस्म हम पर तो चल गया, हम तो इस माया में पूरी तरीके से बंध गए। आपकी लेखनी की जो माया है, जो जादूगरी है, उसमें तो हम लोग बंध ही चुके हैं, है ना अनिल जी, जितना खूबसूरत बहुत लिख बहुत है। शुक्रिया, बहुत बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल, बहुत 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 बढ़िया, जैसा नाम, जैसा नाम वैसा ही प्रतिबिंब, और उस हाँ प्रतिबिंब में वही भारतीय डॉक्टर प्रतिमूर्ति ज्योति पुंज लिख रहे निश्चित रूप हैं, से आपका कहीं न बहुत कहीं शुक्रिया, सोनिया। डॉक्टर जी ज्योति बहुत पुंज भी है, वो भी लिख रहे हैं कि वाह बहुत खूब, और इंद्रजीत शर्मा जी हैं, वो भी लिख रहे हैं बहुत खूब। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आपको मेरे गीत, मेरी गजलें, मेरे मुक्तक पसंद आ रहे हैं, आप उन्हें सराह रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अभिनंदन करते हुए। चलिए एक और आपको गजल की तरफ जोड़ लेकर चलती हूँ, कि बदन में जो हरारत हो रही है, थोड़ी अलग मूड की गजल है फिर से, कि बदन में जो हरारत हो रही है फकत उसकी ही निस्बत हो रही है, फिर से अपने आराध्य को याद करती हूँ, कि बदन में जो हरारत हो रही है फकत उसकी ही निस्बत हो रही है। ये सूफियाना अंदाज मेरी गजलों में अक्सर पाया जाता है, ये मेरा ढंग है कहने का, कि बदन में जो हरारत हो रही है फकत उसकी ही निस्बत हो रही है, कहीं आंखें कहीं जलते हैं दीपक, कहीं आंखें कहीं जलते हैं दीपक, ये यादों की जियारत हो रही है,
कहीं आंखें कहीं जलते हैं दीपक, ये यादों की जियारत हो रही है, ये यादों की जियारत हो रही है। और सोनाली जी आपकी नजर तसव्वुर पर रखा यूं मुझको उसने, आप मुझे इसी तरह से तसव्वुर पर रख रहे हैं दोनों आज, तो आप दोनों की नजर तसव्वुर पर रखा यूं मुझको उसने, तसव्वुर पर रखा यूं मुझको उसने, मुझे मुझसे मोहब्बत हो रही है, तसव्वुर पर रखा यूं मुझको उसने, मुझे मुझसे मोहब्बत हो रही है। जब इतनी शाबाशी मिले इतने तसव्वुर पे रखा जाए तो खुद से मोहब्बत कैसे नहीं होगी, आप बताएं कि तसव्वुर पर रखा यूं मुझको उसने, मुझे मुझसे मोहब्बत हो रही है। और गौर फरमाए फिर से, आप सभी सुनने वालों की नजर मुसाफिर पर आपकी नजर करती हूँ, अभी आंखें रखी ख्वाबों किधर पर, अभी आंखें रखी ख्वाबों किधर पर, अभी आंखें रखी ख्वाबों किधर पर, अभी ठहरो, अभी आंखें रखी ख्वाबों के दर पर, अभी ठहरो इबादत हो रही है, अभी आंखें रखी ख्वाबों के दर पर, अभी ठहरो इबादत हो रही है, अभी ठहरो इबादत हो रही है। मुझे आदत तो थी पहले से उसकी, मुझे आदत तो थी पहले से उसकी, मुझे आदत तो थी पहले से उसकी, चलो अच्छा है अब लत हो रही है, मुझे आदत तो थी पहले से उसकी, चलो अच्छा है अब लत हो रही है, चलो अच्छा है अब लत हो रही मुझे है। आदत थी पहले बहुत से बहुत उसकी, शुक्रिया, मुझे आदत थी पहले से उसकी, चलो अच्छा है कि अब लत हो रही है। अरे क्या कहने, जी क्या गजब, बहुत आहा हा शुक्रिया, हा, सच में बड़ा जिंदाबाद बड़ा सुंदर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सच में और बहुत समझ बहुत में शुक्रिया, बहुत कि बहुत हम लोग कितनी समृद्ध हुए हैं इनकी इन सब लेखनी को सुनकर और जानकर, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं श्रोता तो है हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और वो सभी बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा जो हम दोनों यहाँ पर आपके साथ जुड़े हैं, हमें कितना आनंद आ रहा है आप अपने आप समझ सकती हैं कि हम बार बार अपना माइक ऑन कर बहुत कर आपको बहुत दम शुक्रिया। दे रहे हैं। जी जी नहीं तंग नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मेरी कोई भी शब्द, मेरा कोई भी मुक्तक, मेरा कोई भी छंद अगर आपके मन को छूता है तो आपके मन से निकली दाद मेरे मन तक आती है, और फिर और ज्यादा अच्छा कहने की हिम्मत होती है और ज्यादा अच्छा कहने का मन होता है और खुद से मोहब्बत होने लगती है, जैसा कि अभी मैंने कहा। और जब इंसान खुद से मोहब्बत होता है करता है तो वो जी उठता है, यही उसके जीने का एक मकसद है कि उसे खुद के लिए खुद से मोहब्बत सबसे पहले करनी है। यस आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड, कि मुझे आप सभी का प्यार, आप सभी की तवज्जो, आप सभी का मोहब्बतें मिल रही हैं। और एक और गीत से आपको जोड़ती हूँ, मेरे मन का गीत अगर आप तक पहुंचे तो आपकी दाद चाहूंगी, कि अपने पेचो खम सुलझा कर जुल्फों को गर झटका दूं, अपने पेचो खम सुलझा कर जुल्फों को गर झटका दूं, इस धरती से उस अंबर तक हर मौसम को बहका दूं, इस धरती से उस अंबर तक हर मौसम को बहका दो। और कहती हूँ कि दिल से पिघल पिघल कर यादें, गौर करें इस दिन पे जाएं, कि जब मन हिचकियों से भर जाता है, दिल में बहुत दर्द होता है और हम जी भर के रोना चाहते हैं, और जब हम रो नहीं पाते और खामोश आंसू जब हमारी आंखों से, पत्थर हुई आंखों से बहते हैं, तब नायिका क्या कहती है कि दिल से पिघल पिघल कर यादें आंखों तक आ जाए तो, दिल से पिघल पिघल कर यादें आंखों तक आ जाएं तो, पागल नैनों की बरसातें दामन को झुलसाएं तो, आशाएं उम्मीदें सब, आशाएं सब उम्मीदें जब धुआं धुआं हो जाएं तो, सब आशाएं मिट गई सब उम्मीदें खत्म हो गई आने की अपने प्रियतम की, कि आशाएं सब उम्मीदें जब धुआं धुआं हो जाएं तो, बंद करूं खिड़की दरवाजे और पर्दों को लटका दूं, तो तन्हाई में रहना अच्छा लगता है, बंद करूं खिड़की दरवाजे और पर्दों को लटका दूं, इस धरती से उस अंबर तक हर मौसम को बहका दूं। और अगला बंद मेरे मन का बंद, कि कितनी रातें गुजर गई, कितनी रातें गुजर गई हैं यादों की जागीर लिए, कितनी रातें गुजर गई हैं यादों की जागीर लिए, अंगुल दो अंगुल की आशा पर्वत पर्वत पीर लिए, नैना बंजारे से फिरते पलकों पलकों नीर लिए, कितनी रातें गुजर गई हैं यादों की जागीर लिए, अंगुल दो अंगुल की आशा पर्वत पर्वत तीर लिए,
नैना बन जा रे से फिरते, पलको पलको नीर लिए, और तेरी अगर इजाजत हो तो, तेरी अगर इजाजत हो तो इन पलकों को छलका दूं, तेरी अगर इजाजत हो तो इन नैनों को छलका दूं, इस धरती से उस संवर तक हर मौसम को बहका दूं, इस धरती से उस संवर तक हर मौसम को बहका दूं, हर मौसम को बहका दूं। वाह वाह, मरहबा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आपने तो ये बात है उस अंबर तक, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपने सोनिया जी भी अद्भुत जी, और आपने ये सोचिए थे कि आप बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत बहुत बहुत। चलिए एक आज के माहौल की कविता कहने के बाद मैं आखिरी गजल कहूंगी, तब तक मेरा समय हो जाएगा। आज का माहौल जो हमारे देश के हालात है, जब मैं देश की बात करती हूँ क्योंकि मैं एक प्रवक्ता हूँ, तो अपने देश के लिए कलमकार का फर्ज है कि अपने देश के लिए कुछ कहना। तो देश के लिए जब मैं कहती हूँ तो कुछ ऐसा जोश मेरे जहन में उमर आता है कि अमनो अमा को गोया तमाशा बना दिया, अमनो अमा को गोया तमाशा बना दिया, जी चाह जब भी आपने दंगा करा दिया, जी चाह जब भी आपने दंगा करा दिया, हमने मोहब्बतों से सजाया था जो चमन, हमने मोहब्बतों से सजाया था जो चमन, तुमने तो कत्लेगाह का मंजर बना दिया, तुमने तो कत्लेगाह का मंजर बना दिया। और ऐसे में मैं कहती हूँ कि मैं देख रही हूँ आज जगत के सागर में कुछ हलचल होने को है, फिर तूफानों की, फिर एक क्षमा जलने को है, और आफत आने वाली है परवानों की, फिर एक क्षमा जलने को है, और आफत आने वाली है परवानों की। मैं सोच रही सुंदर सपनों के ताजमहल जब मिट्टी में ही आन मिलेंगे क्या होगा, इस नीले नीले आसमान के खेतों में जब अंगारों के फूल खिलेंगे क्या होगा, ये ज्वालामुखी अचानक जो फट पड़ा कहीं, ये ज्वालामुखी अचानक जो फट पड़ा कहीं, संसार तरसता रह जाएगा पानी को, रंगीन बहारों को पतझड़ खा जाएगी, दसलेगा काला नाग रात की रानी को, ये रंग भरा संसार कहाँ फिर देखेंगे, ये रंग भरा संसार कहाँ फिर देखेंगे, हम मधुर सलोना प्यार कहाँ फिर देखेंगे, फिर कहाँ रात लीला में राधा नाचेगी, फिर कब काना की मधुर मुरलिया बाजेगी, और तब तब इन सबको आहू का कफन ढांप लेगा, तब इन सबको आहू का कफन ढांप लेगा, सब खुशी अपार धुआं बनकर उड़ जाएगी, तब अपने आप सभी दीपक बुझ जाएंगे, जब गीतों की महफिल विधवा हो जाएगी, जब गीतों की महफिल विधवा हो जाएगी, दुख के पत्थर से लाल चूड़ियां टूटेंगी, दुख के पत्थर से लाल चूड़ियां टूटेंगी, राक्षस मानवता को जब बीच घसीटेंगे, तब अपने आप सभी दीपक बुझ जाएंगे, जब मेहंदी वाले हाथ छातियां पीटेंगे, जब मेहंदी वाले हाथ छातियां पीटेंगे, और युद्ध की परिकल्पना कीजिए, जब युद्ध होंगे तो क्या होगा, सुंदर नगरों के भरे हुए बाजारों में, सुंदर नगरों के भरे हुए बाजारों में केवल उल्लू बोलेंगे, कुत्ते भौंकेंगे, होने वाली दुर्घटना की आशंका से चंगेज इलाकों भी दो जख्मी चौंकेंगे, पर हमारे व्रत की है संतान अमर, पर हमारे व्रत की है संतान अमर, हम अंगारों को ओस बनाया करते हैं, हम तो विष पीकर जीने वाले शंकर हैं, हम तो विष पीकर जीने वाले शंकर हैं, हम अंगारों को ओस बनाया करते हैं, और अब बहुत समय के बाद ये भारत जागा है, अब बहुत समय के बाद ये भारत जागा है, इसकी किस्मत को पुनः नहीं सोने देंगे, सौगंध हिमालय की हमको इस धरती पर, हम और तीसरा युद्ध नहीं होने देंगे, हम और तीसरा क्या कहने, वाह 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 वाह, अरे अति सुंदर, अप्रतिम, लाजवाब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मतलब गजब ही है सोनिया जी, सच में अतुलनीय है और बहुत सुंदर है।
इसका मैं बोल नहीं सकती कुछ भी, मैं क्या बोलूं आपकी लेखनी के हम आपकी लेखनी को हमारा नमन है, आप बहुत आई बहुत हम शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। इस मंच को मेरा नमन है, उस परम पिता परमेश्वर को मेरा लाखों करोड़ों बार धन्यवाद है, और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं दर्शक दीर्घा में, अगर आप नहीं हैं, आपके इस प्यार को मैं दिल से नमन करती हूँ, आपके इस स्नेह के लिए मेरा सब कुछ कुर्बान है, आप हैं तो मेरे होने का अस्तित्व है, मेरे इस कलम का कुछ मतलब है, आपकी मोनिया दाद जी, से आज दुनिया सोना मत आपकी बनी है। आपकी लेखनी स्तुत्य है, इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं, और निश्चित रूप से बहुत माँ बहुत शारदे के भंडार को जिस तरह आप भर रही हैं, हमारी मंगल कामना है कि आप इस भंडार को और ज्यादा भरें, और ज्यादा भरें, और ज्यादा भरें। बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। चलिए एक गजल की फरमाइश थी जो मैं आखिरी में पढ़ती हूँ, इतने में मेरा समय हो जाएगा, शायद अगला आने वाले जो भी हैं उनका स्वागत करूंगी। अरे आपको जिसको एक हमारा रखा मन चाहिए नहीं है जी लेकिन वक्त के तकाजा है, रुकना ही जी पड़ता तो है मैं वक्त को साथ लेके बेशक चलूंगी। कि जिसको रखा था मैंने दुआओं में पाल कर, कई बार ऐसा होता है अक्सर कि जिसके लिए हम दिन रात दुआएं करते हैं, जो हर पल हमारी दुआओं में है, वो हमारे साथ कैसा करता है, अक्सर होता है कि जिसको रखा है मैंने दुआओं में पाल कर, जिसको रखा है मैंने दुआओं में पाल कर, होता है खुश वही मेरी इज्जत उछाल कर। जिसको रखा है मैंने दुआओं में पाल कर, होता है खुश वही मेरी इज्जत उछाल कर। और आई है पहली बार मोहब्बत की आहटे, और आप सबकी मोहब्बतें मेरे दरवाजे पर, मेरे दर पर पहली बार आए हैं, तो मैं कैसे स्वागत करूंगी उनका। मैं इस शेर के जरिए आप सभी का स्वागत करती हूँ, आप सभी की मोहब्बतों का। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी की मोहब्बतों को सलाम करते हुए ये शेर आप सबकी नजर। कि आई है पहली बार मोहब्बत की आहटे, आई है पहली बार मोहब्बत की आहटे, दीदार अब तो करना है आंखें उजाल कर, दीदार अब तो करना है आंखें उजाल कर। और अपने अस्तित्व का शेर, मेरे मन का शेर अनिल जी, सोनाली जी आपकी नजर। कि घर बिल्कुल शौक बिल्कुल लिपटने बिल्कुल का है मेरे वजूद से, घर शौक लिपटने का है मेरे वजूद से, घर शौक लिपटने का है मेरे वजूद से, मिट्टी को अपनी आइए मिट्टी पे डालकर, मिट्टी को अपनी आइए मिट्टी पे डालकर, घर शौक लिपटने का है मेरे वजूद से, मिट्टी को अपनी आइए मिट्टी पे डालकर। और कुछ मिट्टी को अपनी आई है मिट्टी पे डालकर। अरे वाह 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 वाह, बहुत क्या कहें, सुंदर है, मतलब जो बहुत आपकी, बहुत शुक्रिया जो आप मुनिया जी। निश्चित मानसिक रूप से हैं, जो आप आपके बिंब हैं, धरोहर बड़ी धरोहर है आप सुंदर हमारी, हैं। आप धरोहर है बहुत हमारी, बहुत पूरा शुक्रिया, साहित्य जगत बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत वास्तव में बहुत 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 बड़ा शब्द, बहुत बड़े शब्द आप कह रहे हैं। आपका ये प्यार, आपका ये स्नेह मैं हमेशा अपने साथ लेकर जाऊंगी। और जाते जाते कि सलीके से बहुत हमने हमारे गम संभाले हैं, सलीके से बहुत हमने हमारे गम संभाले हैं, हमारे दिल नशी एहसास के तेवर निराले हैं। निगाहों से खरोचो मत, निगाहों से खरोचो मत, बहुत तकलीफ होती है, निगाहों से खरोचो मत, बहुत तकलीफ होती है, समझते क्यों हो जिस्मानी हमारे दिल के छाले हैं, समझते क्यों हो जिस्मानी हमारे दिल के छाले हैं, समझते क्यों हो जिस्मानी हमारे दिल के छाले हैं, समझते क्यों हो जिस्मानी हमारे दिल के छाले हैं। और वाह हमारे वाह अगले मेहमान वाह, हमारे बहुत बीच बहुत आ चुके हैं। और जी दिल हाँ के छाले बिल्कुल तो हैं, हमारे दिल के छाले, आपने बोले दिल के छाले, लेकिन आप हमारे दिल में काबिज हैं, आप हमारे दिल में कब्जा करके बैठ गई बहुत हैं। सोनिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत इतनी खूबसूरत एक हमारे बीच में कवियत्री शायरा आई, इतनी आप, मैं मान के चल रही हूँ कि आप बहुत अच्छी मंच को आप पूरी तरह से बांध के रखती होंगी, क्योंकि आपके साथ बंद करके हमारा वक्त कहाँ गुजर गया हमें पता ही नहीं चला। सोनिया जी आपका बहुत 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 शुक्रिया सोनाली जी। तो आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ मेरी जुड़ी। जी मेरी एक गजल जो बहुत से मंचों पे गाई जा चुकी है और बॉलीवुड से रिलीज हो चुकी है, तो उस गजल हाँ का एक मतलब और एक शेर कह के मैं आपसे विदा इरशाद लेती हूँ। कि इरशाद कत्ल करके भी वो कहते हैं हुआ कुछ भी नहीं, कत्ल कत्ल करके करके भी वो कहते हैं हुआ कुछ भी नहीं, मुसाफिर सर मेरे साथ जुड़े हैं,
आपकी खूबसूरत आवाज में सबसे पहले आपने ये गजल गाई, उसके बाद सत्यावानंद जी ने गाई और जैनिमा ने गाई, तो तीन गायकों ने गाई है ये गजल, और अब ये कई कई म्यूजिक चैनल्स पे रिलीज है। कि कत्ल करके भी वो कहते हैं हुआ कुछ भी नहीं, ऐसी मासूम निगाहों की सजा कुछ भी नहीं, ऐसी मासूम निगाहों की सजा कुछ भी नहीं। और मतले के साथ बस मत्ता पढ़ूंगी, पूरी गजल नहीं। कि तेरी यादें, तेरी खुशबू, तेरे सपने शब भर, तेरी यादें, तेरे सपने, तेरी खुशबू शब भर, तेरी यादें, तेरे सपने, तेरी खुशबू शब भर, रूबरू सब थे, रूबरू सब थे, मगर मैंने छुआ कुछ भी नहीं, रूबरू सब थे, मगर मैंने छुआ कुछ भी नहीं, रूबरू सब थे, मगर मैंने छुआ कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, शुक्रिया। बहुत सुंदर, और आप आई जी, और आपने इतनी सुंदरता से हमें अपने शब्दों से बांध के रखा इतनी देर तक। माँ भारती की आपने महायज्ञ में अपनी आहुति जो दी है वो अतुलनीय है, उसका कोई तुलना नहीं हो सकती। हमारा मंच आपके आने से बहुत समृद्ध हुआ, और अब मैं आपको शुक्रिया ही।